मना किया था ना हमने कि किसी को इसके बारे में बताना मत। अरे 5 मिनट के लिए हम मंदिर का गए कि आप पीठ पीछे पुलिस वालों को बुला रहे। अरे बस कीजिए, आप घरेलू हिंसा मत कीजिए पुलिस वालों के सामने, जेल में डाल देंगे आपको। फावड़ा भेजिए। गजब करती है चाची, अब रखिए मान जी। शांत बैठिए, बैठकर बात करते हैं, बैठिए। अब शांति से हमें बताइए कि आप अपने पति से अपने घर का आंगन खुदवाई क्यों रही है? देखिए मैडम जी, ये हमारा घरेलू खुदाई है, इस बीच में ना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक काम करिए, इन्हें अरेस्ट करके थाने ले चलते हैं, वहां जाकर ये सब सच बोलेंगे। आइए। अरे अरे मैडम जी, रुकिए, हम बताते हैं। हमारे घर में आंगन की जमीन के नीचे सोना गड़ा है। अच्छा, और ये खुशफहमी आपको किसने दी? आसमान के ऊपर क्या है, जमीन के नीचे क्या है, वो सब जानते हैं मैडम जी। वो राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना दे, इतने महान दिव्य पुरुष है हमारे बाबा अर्जुन जी। मैडम जी, उन्होंने ही हमें बताया था कि हमारे घर के आंगन की जमीन के नीचे खजाना गड़ा हुआ है। एक बात बताइए, इस जानकारी के बदले में उस आदमी ने आपसे कुछ मांगा? कुछ पैसे, जवाहरात, कुछ भी? क्या बात करती है मैडम जी, वो इतने महान दिव्य पुरुष हैं, वो हमसे कुछ मांगेंगे? बल्कि हम अपने तरफ से खुश होके खानदानी सोने का कंगन हम उनको गिफ्ट भेंट दे दिए। क्या तूने हमारा वो खानदानी कड़ा उसे दे दी? अरे तुम पत्नी हो कि पनौती हो? मैडम मैडम, ये देखिए क्या किया, वो हमारे पूछते नहीं वो कड़ा। अरे कुड़कुड़ा रहे हो, अरे इतना खाली से सोना मिलेगा कि उतना तो तुम्हारा पूरा खानदान भी मिलके नहीं कमाया होगा। कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, बोलो। ना सोना ना कंगन। हाँ। ये सब एक तरीका होता है आपको ठगने का। कोई दिव्य शक्ति, कोई पावर, कुछ नहीं है उसके पास। बिल्कुल सही कह रही है वो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। आओ ना, तुम इधर बैठो 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 बैठो, मैं बताता हूँ। सुनो, देखो ऐसी कोई शक्तियाँ वक्तियाँ जो है ना इंसान के अंदर नहीं होती है। होती है, बिल्कुल होती है। अरे तुम भी मानोगे जब तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हारे बारे में उन्होंने वो भी बताई है। कौन सी बात? क्या? उन्हें कैसे पता चला ये? एक मिनट, ये क्या खुसुर-पुसुर कर रहे हैं आप? क्या चल रहा है? हम ये आपको नहीं बता सकते, ये हमारा खानदान का मसला है, हमारी निजी मामला है, हम नहीं बता सकते आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपको हम बुला के लेके आए, गलती हो गई। आप प्लीज जाइए, मुझे गड्ढा खोदना है, मेरे पास टाइम बहुत कम। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ख्याल रखिए। भैया जाइए। धन्यवाद। अम्मा पेट खराब है तो वहां जाके छोड़ो ना, हमारे पास क्या ऐठिया रहे हो ऐसे? अरे नहीं मैडम, हम उसको ढूंढ रहे। उसको? उसको किसको? जो आपके थाने में जो नई अफसर आई है ना, मीरा जी, उसकी बात कर रहे। कोई शक? ओए क्या बात कर रहे बदनाम भाई, बिल्कुल सही बात। जब से मीरा जी इस थाने में आई हैं, ये पूरा इलाका ऐसे दिवाली की तरह रोशन हो। जब से इस थाने में आई हैं, कभी लाइट नहीं गई थाने की, कहाँ हैं दिख नहीं रही हैं मीरा जी। अंधे हो का? हाँ हाँ, दिखाई नहीं दे रही है, मतलब वहाँ दिखाई नहीं दे रही है तुमको? कहाँ? विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब दिखाई दी? कितनी बार बोला ऐसे पौका देकर फैला कर। मैडम ये नहीं समझेगा, हम समझ गए। जाओ। अच्छा हेलो, आखिर तुम्हारी चोरी पकड़ी ही गई करिश्मा सिंह। मैडम सर, मीरा को तुम ही ने गायब किया है ना? नहीं नहीं मैडम सर, आप ये क्या बात कर रही है, वो टीम के टप्पे को हम कैसे गायब कर सकते हैं? नहीं नहीं मैडम सर, ये किसी ने गलत आपको बताया, ये ऐसा कुछ नहीं है, हमने गायब नहीं किए। बनिए मत, पुष्पा जी ने हमें सब कुछ सच बता दिया है, आप ही ने गायब किया है मीरा को। आप ही ने हमारी आवाज में कमांड देकर दबे पाओ मीरा को थाने से निकल जाने के लिए कहा। छी 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 करिश्मा जी, आपने उस मासूम बेचारी भोली मशीन का अपहरण किया है, हमें आपसे उम्मीद नहीं थी। नहीं 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 मैडम सर, ये पुष्पा जी ये उनकी बातों में मत आइएगा। ये कुछ भी बोल रही है मैडम सर, आपको लगता है हम गायब करेंगे वो टीम के डब्बे को? कितनी बड़ी चुगलखोर है, हम घर जाके निपटेंगे उनसे, पुष्पा जी को बताएंगे, ऐसे कुछ भी थोड़ी ना कह देती है। क्या 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 चुगलखोर सास? आप हमें चुगलखोर सास कह रही है?
हम चुगलखोर नहीं है, चुगलखोर तो आप है, आप, आपका पूरा खानदान है, आपके पड़ोसी है, यहाँ तक कि आपके घर में जो कुत्ते बिल्ली है ना वो भी चुगलखोर है। हाँ थोड़ा सा कुछ कह दिया तो कैसा मिर्ची लग गया आपको, हाँ, और आप ऐसा मस्करी कर रही है हमारे साथ, ये अच्छी बात है। अरे तो फिर हमने भी तो थोड़ा सा मजाक ही किया ना, इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है। तो मजाक करने का उम्र होती है, उम्र देखा खुद का। हाँ खबरदार जो हमारी उम्र बीच में लाई तो आप, हाँ वरना हम इस सब लोगों को बता देंगे आपकी असली उम्र क्या है, चेता रहे हैं आपको। सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना अब तो हमने भी करना सीख लिया है। सोचिए अगर हम मैडम सर की आवाज में मीरा को, मतलब ये टीम की चुड़ैल को अगर नचा सकते हैं, कमांड कर सकते हैं, तो फिर आपको भी नचा सकते हैं। हाँ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, इंसान सिर्फ मशीन को कमांड कर सकता है, इंसान इंसान को नहीं। अरे हाँ बाबा बताए हमें, बस ये तो एक बात करने का तरीका होता है, बोलने की बात होती है। और तुम चुप रहो, हमें बात करने दो। ओके मैडम सर, मैडम सर आपकी आवाज सुनाई दे रही है पर आप कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या कह रही हो तुम, तुमको मैडम सर दिखाई नहीं दे रही है? नो वो वहाँ खड़ी है मैडम सर, दिखाई नहीं दे रही? नहीं यहाँ मैडम सर है, जहीन मैडम सर, उनके बगल में करिश्मा जी है। नहीं नहीं ओहो लगता है आपकी जो लेंसेस है ना उसमें शायद टेक्निकल एरर आ गया है कुछ तो ना? पुष्पा जी लगता है मीरा को हेडक्वार्टर भेजना पड़ेगा। ओके मैडम सर। हाँ हाँ सुनिए सुनिए बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ सुनिए ना पुष्पा जी, ये आयशा छोड़िए आप, और ये बताइए कि किसी ने देखा तो नहीं ना आपको? नहीं नहीं यहाँ तो दूर दूर तक सन्नाटा है। बहुत बढ़िया, ये बताइए काम हुआ? नहीं बस करने ही वाले थे, सोचा आपको एक बार फोन करके पूछे कि जो तय किया है वो करना है ना। हाँ इसमें कोई प्लान में आपके चेंज तो नहीं हुआ है ना? सोच लीजिए वरना मैडम सर को अगर पता चल गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। नहीं 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 कुछ भी नहीं, कुछ चेंज नहीं है, जैसा प्लान बताया है बिल्कुल वैसा ही है, वैसा ही रहेगा। ठीक है ठीक है अभी हम उसे। यहाँ तो थी मीरा, कहाँ चली गई? पुष्पा जी अंदर भी नहीं है, यही तो थी, पता नहीं कहाँ चली गई। पुष्पा जी क्या कर रही हैं आप, ये सब कुड़कुपड़ कर देंगे हम? कांक मतलब क्या, आपके सामने तो खड़ी थी, साथ ही तो खड़ी थी, उसका आवाज आ रहा था हमको। मैं ढूंढिए ढूंढिए उसको, आस पास ही होगी, इतनी दूर नहीं जाएगी कहीं, जल्दी ढूंढिए। हाँ 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 ढूंढ लेते ढूंढ लेते। कहाँ गए शिव जी? अरे काम दिया था। भगवान क्या है ये, जो अपने थे एक एक छोड़कर सारे चले गए, बाबूजी चोरी के चक्कर में रफू चक्कर हो लिए, माँ तो बहुत दूर रह रही है, उसके साथ मेरी बहन भी, कभी किसी से इज्जत नहीं मिली, बस जिंदगी में पहली बार मेरा जी गाँव आप, उन्होंने मुझे इज्जत दी, हे भगवान अगर मेरी मीरा जी नहीं मिली तो इस पत्थर पे अपना सर मार मार कर फोड़ दूंगा। आज नहीं कल फोड़ूंगा, आज मीरा जी को ढूंढूंगा, तुम मेरी सहायता करना भगवान। कहा है मीरा जी, कहा हो तुम मीरा जी? मीरा जी सुनिए, क्या है? माफ कीजिए। माफ किया, आगे? शहर में नया हूँ। तो? ये एड्रेस बता सकते हैं प्लीज? गुलमोर रोड बाबागंज। एक काम कीजिए, सीधे जाइए, राइट देखिए, लेफ्ट में मुड़ जाइए, ये लो। थैंक यू। मेंशन नॉट। बहुत दुखी लग रहे हो दोस्त? हाँ दुखी हूँ। दिल का मामला है राइट? आपको कैसे पता? है ऊपर वाले की कुछ नेमत? मतलब? मुझे सब कुछ पता होता है। यो समझ लो के क्या मुझे ऊपर वाले की तरफ से एक वरदान मिला हुआ है।
जिससे कि जब भी मैं किसी की आंखों में देखता हूं उसके बारे में सब कुछ जान लेता हूं, उसका आज गुजरा हुआ कल सब कुछ शीशे की तरह साफ साफ मेरे सामने नुमाया हो जाता है। लेकिन ये कैसे? जैसे कि मैं इस वक्त तुम्हें देखकर साफ साफ बता सकता हूँ कि तुम्हारे गुजरे हुए कल और आज में एक चीज बड़ी कॉमन सी है। उधार, लॉकअप। तुम्हारे गुजरे हुए कल और आज में लॉकअप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई गहरा और खास रिश्ता लगता है तुम्हारा लॉकअप से, am I right? एकदम सही बोले, करेक्ट बोले आप। And one more thing. What? तुम जिस लड़की को चाहते हो उसका नाम M से शुरू होता है, राइट? ओह माय गॉड, करेक्ट। शायद उसका नाम मीरा है। यस, करेक्ट। मीरा जी कहाँ चली गई अब? ये तुम कैसे? लेकिन आप ये सब कैसे जानते हो? नहीं, आपको उन्होंने बताया होगा, वो बागड़ बिल्ले दो इकबाल और बदनाम, उनके सिवा आपको पता ही नहीं हो सकता कहाँ है वो दोनों इकबाल। मुझे नहीं पता तुम किन के बारे में बात कर रहे हो। मैंने तुमसे कहा ना, मैं शहर में नया हूँ, अभी तक तो ठीक से शहर में दाखिल भी नहीं हुआ, तो भला मैं किसी को कैसे जान सकता हूँ? ठीक है, अब मैं तुम्हारे बारे में एक ऐसी बात बताता हूँ सिर्फ तुम जानते हो। तुम अपने बाबूजी को बहुत मिस करते हो ना? बाबूजी, वही बाबूजी जिन्हें तुमने बहुत छोटी सी उम्र में खो दिया था। अंदर की बात आपको कैसे पता? क्योंकि तुम्हारे बाबूजी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गए हैं। हैं? तो माँ जी ने मुझे झूठ बोला? नहीं, हैं? वो यहीं हैं हमेशा से तुम्हारे साथ, तुम हमेशा से उन्हीं की नजरों में रहे हो। बाबूजी, मैं तो इस वक्त भी महसूस कर सकता हूँ कि तुम्हारे बाबूजी इस वक्त भी तुम्हें देख रहे हैं। पता है तुम्हारे बाबूजी की आखिरी ख्वाहिश क्या है? क्या? कि तुम अपनी तरफ से अपने जैसे अनाथ बच्चों के लिए कुछ करो, उनका सहारा बनो। यही तुम्हारे बाबूजी की आखिरी इच्छा है जो आज तक पूरी नहीं हुई। और एक बेटे होने के नाते तुम्हें ये जरूर करना चाहिए, ये तुम्हारा फर्ज है। हाँ, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। बाबूजी, वहाँ नहीं, बाबूजी नीचे। बाबूजी बैठे, बैठे। बाबूजी, बाबूजी, मैं आपका बेटा हूँ, मेरा फर्ज है, आपकी आखिरी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, कैसे होगा? उसकी चिंता तुम मत करो। हाँ? क्या क्या बाबूजी कुछ बोलेगा? क्या बोले? पता है बाबूजी क्या कह रहे हैं? हाँ? जहाँ चाह है वहां राह है। बाबूजी, अम्मा क्या हुआ उस टीन के डब्बे का? मिला कि नहीं? नहीं ना, इस तरफ भी नहीं नजर आ रही है वो। ढूंढिए ढूंढिए, उसे ढूंढिए, नहीं मिलेगी तो भवंडर हो जाएगा, समझिए हमारी बात को। हाँ हाँ, समझ रहे हैं हम, ढूंढ तो रहे हम, पता नहीं कहाँ चली गई चुड़ैल। हाँ ठीक है। क्या हुआ करिश्मा सिंह, क्या खो गया? वो पुष्पा जी से हम बात, पुष्पा जी का वो हार खो गया। पुष्पा जी का मैडम सर, वो सोने का हार था पुष्पा जी का, वो लल्ला के पापा का निशानी, बहुत भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई थी पुष्पा जी उनसे, वो खो गया। अरे ऐसे कैसे, इतना सोने का हार खो दिया, थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना चाहिए ना। वही मैडम सर, वो बहुत तिल मिलाई घूम रही है, एकदम उनका दिमाग भरा गया है, एकदम आउट सी हो गई है। और आपको तो पता है पुष्पा जी फटती है तो कैसे आड़ा फटती है ना, कभी लल्ला पे इल्जाम लगा रही है, कभी हम पे इल्जाम लगा रही है। और हमें काका नहीं कह रही है सुबह से मैडम सर, कह रही है कि चुड़ैल हमारा हार खो दिया, सत्यानाश हो, कीड़े पड़े, आग लगे हमारे भौकाल को, पता नहीं। और करिश्मा सिंह, आप इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हैं? हम कर रहे हैं? हाँ, कि पुष्पा जी की संगत में ना मैडम सर हम भी। एनीवेज, देखिए हम जानते हैं कि सोने का हार खोना कितना स्ट्रेसफुल होता है, बट जब वो खासतौर पर पिताजी की निशानी हो। लेकिन हमारे पास उससे भी बड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है अभी, मीरा की गुमशुदगी, उसका ढूंढना, उसका पाया जाना बहुत जरूरी है। अगर डिपार्टमेंट को पता चल गया कि वो खो गई है तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं। मैडम सर, मैडम सर, मैडम सर। आराम से, क्या हुआ? मैडम सर, मीरा मैडम को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो जहाँ कहीं भी होगी वो लौट कर थाने ही आएंगी। कहाँ, क्या मतलब? हाँ, ये पेन ड्राइव में उनका मैनुअल है तो मैंने फोन में डाउनलोड कर लिया है, ये देखिए। तो मैडम सर, इसमें ये लिखा है कि अगर 6 घंटे तक मीरा मैडम को कोई कमांड नहीं मिलता है तो 6 घंटे में वो खुद ब खुद अपनी डिफॉल्ट डेस्टिनेशन पर आ जाएंगी। और डिफॉल्ट डेस्टिनेशन क्या है?
महिला पुलिस थाना. एग्जैक्टली. तो उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद आ जाएंगे. ब्रिलियंट, गुड जॉब संतोष शर्मा. बिल्लू जी क्या हुआ, इतनी खुशी क्यों मना रहे हो? मीरा मैडम मिल गई है क्या? संतोष जी, अभी म्यूजिक बंद हुआ है. Why you loud? Now you tell me. मीरा मैडम मिल गई है क्या? कौन मीरा मैडम? अच्छा, वो अब उसकी कोई जरूरत नहीं है. अब मुझे चाहिए नोट गिनने की मशीन, क्योंकि आने वाले पल में मेरे पास बहुत सारे नोट आएंगे. इतने सारे नोट कि नोट गिनने वाली मशीन को नोट गिनते गिनते उसके पसीने छूट जाएंगे. इतने नोट आने वाले मेरे पास. अम्मा करो ना, दिमाग के अस्पताल को कॉल करो, बोलो ये भौरा गया है, इसका दिमाग सरक गया है, ये किसी को काट वाट लेगा. भेजो इसको अस्पताल, भेजो. रिलैक्स करिश्मा मैडम, रिलैक्स. जब भगवान किसी को छप्पर फाड़ के देता है तो ऐसे ही सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है. मैं आपके जानकारी के लिए बताता हूँ, कल से यह बिल्लू चंपत नहीं रहेगा, यह अमीर बिल्लू चंपत होगा. फिर मेरे पास गाड़ी, बंगला, दौलत, शौहरत, इज्जत, नौकर, चाकर, बाग, बगीचे और भिखारी मेरे अगल बगल रेंगते रहेंगे. और इस खुशफहमी की वजह? सच्चा मित्र आज ही मिला मुझे रास्ते में. उसने मुझे बताया मेरे बारे में. क्या बताया? Shut up. सब कुछ बताया. उसने कहा कि तुम आने वाले पल में इतने अमीर हो जाओगे कि दौलत के इतनी ऊंचाई पे चढ़ोगे, इतने चट्टानों पे चढ़ोगे कि वहां से उतरने चढ़ने के लिए तुम्हें चार्टर प्लेन. हाँ, वो प्लेन यूज करना पड़ेगा उतरने चढ़ने के लिए. और उसने मुझे लॉटरी का टिकट दिया है और कहा ये लॉटरी का टिकट तुम्हें लग जाएगा 1 करोड़ का और तुम मालामाल हो जाओगे. 1 करोड़. और ये लॉटरी का टिकट उसी आदमी ने दिया तुम्हें? हाँ. और बदले में क्या मांगा? कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैंने उसको दिया. क्या? किसी गरीब की मदद करने के लिए टिकट लिया था. टिकट हाथ में लेते ही पता चल गया था कि वही टिकट है जिसका नंबर लगने वाला है. हाँ? पूरे 1 करोड़ का. पक्का? नहीं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, ये टिकट लगेगा. फिर मैंने सोचा कि ये मोम आया मेरे किस काम की. एक काम करो, ये तुम रख लो, अपने पिताजी का आशीर्वाद समझ के रख लो. 2 दिन बाद जब तुम करोड़पति बन जाओगे तो किसी गरीब को छोले भटूरे खिला देना, मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी. हाँ. ओके, सी यू. सी यू. बाबा. बाबा मत कहो. तो? आई एम योर बडी. ओह माय बडी, आप मुझे 1 करोड़ देके जा रहे हैं, इस बदले में मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूँ. एक मिनट, मेरे पास है. मैं भी इस पैसे के मोह से मुक्ति पा लेता हूँ. 1, 2, 3, 4, ये पूरे पैसे आप रख लीजिए. नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है. नहीं नहीं, आपको रखना होगा. नहीं, ये बाबूजी का आशीर्वाद समझ लीजिए, रख लीजिए. कहाँ है झूला? वाह, बहुत बढ़िया. ये वही आदमी है जिसने उस कपल को भी बेवकूफ बनाया. चीता, ये वही आदमी है जिसकी वजह से वो आदमी अपना घर का आंगन खोद रहा था और अब इसने बिल्लू को बेवकूफ बना दिया है. सॉरी. ये बहुत शातिर आदमी है, ये बहुत अच्छा जाल बिछाता है लोगों को ठगने का. नहीं नहीं, ये ठग नहीं हो सकता, मुझे कैसे ठग सकता है. नहीं, उसके पास रियल में पावर है. हाँ, तुम्हारी मैया की सासू मैया लालच के आगे तुमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्या? सब धुंधला हो गया क्या तुम्हारे सामने? वैसे उल्लू तो तुम हो पैदाइशी, लेकिन तुमको कोई उल्लू बना गया. बिल्लू चंपत, तुम उल्लू बन गए हो. समझ रहे हो हमारी बात को? जो पूरी दुनिया को चूना लगाता था ना, आज उसको कोई चूना लगा के चला गया. नहीं 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 नहीं, वो झूठा नहीं, वो सच्चा है. 1 करोड़ की लॉटरी मुझे लगने वाली है, मैं अमीर होने जा रहा हूँ. ए बदनाम, इसमें चाय लेके आजा, चल हट. महिला पुलिस थाना टीम, इधर आई. ओके, देखिए ये आदमी बहुत ही स्मार्ट है. ये लोगों की सबसे कमजोर नब्स पर अटैक करता है, जो है जज्बात. उनकी भावनाओं का फायदा उठाकर उन्हें लालच दिखाकर उन्हें ठगता है.
और अब ये आदमी हमारे थाने तक पहुंच गया है। उसने बिल्लू तक को बेवकूफ बना दिया है। अब इसे पकड़ना बहुत जरूरी हो गया है। स्टोपा आदमी को तो हम ढूंढ कर निकालेंगे और उसको समझाएंगे कि शतरंज के मौरे खेल में कितना ही शोर मचाने, खेल खत्म होने के बाद उनको वापस डब्बे में ही जाना होता है। हाँ तो करिश्मा सिंह, कुछ सोचा आपने कि अब किस जुर्म, किस कंप्लेन, कौन से सबूत की बेसिस पर आप उसे पकड़ के लाएंगे? ना मैडम सर, लेकिन ऐसे हाथ पे हाथ रख के भी तो नहीं बैठ सकते ना हम, कुछ तो करना ही होगा हमको। हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे, लेकिन इस तरह से जल्दबाजी में नहीं, सोच समझ कर पूरी तैयारी के साथ करेंगे। और वैसे भी हम आपको हाथ पर हाथ रखकर बैठने के लिए नहीं कह रहे, आपके पास बहुत जरूरी काम है करिश्मा सिंह, मीरा को ढूंढना है। कहाँ है वो? मैडम सर काहे ढूंढना है उसको, संतू ने बताया तो है 6 घंटे तक किसी भी तरीके के कमांड का आदान प्रदान नहीं होगा, तो वो लौट के यहीं आएगी, तो फिर काहे ढूंढे उस मीरा को? वो अपने आप आ जाएगी, वो बात सही है करिश्मा सिंह, लेकिन अगर उतनी देर में कुछ हो गया तो, उसकी बैटरी खत्म हो गई तो, या फिर किसी को पता चल गया कि वो इंसान नहीं एक मशीन है तो, या फिर डिपार्टमेंट को अगर खुदा ना खास्ता पता चल गया कि हमने क्या गड़बड़ कर रखी है, अब जानती भी हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है उसे जल्द से जल्द ढूंढना और यहाँ वापस लेकर आना। जी मैडम सर, मैडम सर डीएसपी सर आ रहे हैं, लेकिन उनका मूड बहुत खराब है। मीरा के बारे में उन्हें पता तो नहीं चल गया कि हमने उसे खो दिया है? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।